चल, हम बात कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का, लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले जो हमें इसमें बात करना है वो क्या रहेगा आपका, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। क्या हम बोल रहे हैं, अबंडेंस ऑफ हाइड्रोजन। पहले हम ये बात करें कि हमारा एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले आपको पता है कि हाइड्रोजन का मास 1 होता है, मतलब इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो पहला हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। पहला क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। एंड ऐसा नहीं है कि लाइटेस्ट एलिमेंट है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट गैस भी है, एंड आल्सो लाइटेस्ट गैस इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक। क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं आपका कि जो हाइड्रोजन है ये क्या है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन, और ये ऑलमोस्ट कितना है, 70%। तो क्या होगा, अराउंड 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स, टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट, ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट, अगर हम इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किस में होगा, ये तो यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट पता ही है। इसके बाद फिर किस में होता है, सन में, और फिर क्या होता है, अर्थ। तो ये क्या हो गया हमारा कि किस में कितना ज़्यादा हाइड्रोजन है उसका ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इन सन हाइड्रोजन इज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म, हाइड्रोजन इज फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म। किसमें, सन में। तो अर्थ में कैसा होता है, वाइल इन अर्थ हाइड्रोजन इज फाउंड इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मतलब क्या हो गया, H2। समझ में आ गया। अब देखो, अगर सन में हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में, मतलब केवल H है, यानी इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये तो चाहेगा ना कि अपना ड्यूप्लेट पूरा करे,
तो यानी ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव है, कहीं ना कहीं से रिएक्ट करके एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट पूरा करेगा। लेकिन अगर अर्थ की बात करें तो यहाँ पर क्या H2 है, इसका पूरा है ड्यूप्लेट, यानी ये स्टेबल है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन, मतलब हम क्या बोलेंगे कि इन एटॉमिक फॉर्म हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव, इन एटॉमिक फॉर्म हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव, वेयर एज इन मॉलिकुलर फॉर्म, क्या है, इट इज़ नॉट रिएक्टिव। क्यों, क्या रीज़न है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, क्या हो गया ये, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वेरी हाई डिसोसिएशन एनर्जी, एंड वेरी हाई डिसोसिएशन एनर्जी, समझ में आया ये। अब हम बात करते हैं कि इसको हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखते हैं, इसका पोजिशन कोई डिफाइंड नहीं था, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप 1 का भी प्रॉपर्टी बिहेव करता है एंड ग्रुप 17 का भी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एच प्लस हो गया ना, यानी तो हम अगर देखते हैं ग्रुप 1 में तो लिथियम प्लस भी होता है, सोडियम प्लस भी होता है, पोटेशियम प्लस भी होता है, मतलब उसका भी क्या हुआ, नेचर फॉलो कर रहा है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एच माइनस हो जाएगा, तो वहाँ से होता है ना फ्लोरीन माइनस क्लोरीन, इसीलिए इसका पोजीशन डिफाइन नहीं किए गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा कलर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या होगा इसका, हम क्या बोल रहे थे कि हाइड्रोजन सोर्स, सम रिसेम्ब्लेंस, इन इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे आपको जो पीरियोडिक टेबल हमने सिखाया था उसमें सबसे पहला वाला क्या बोले थे, एल्कली मेटल, और ग्रुप 17 में क्या बोले थे, हैलोजन्स, याद है ना। तो ये प्रॉपर्टीज किसके साथ दिखाता है, रिसेम्ब्लेंस ऑफ प्रॉपर्टीज विथ एल्कली मेटल, एंड सम विथ हैलोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 17, और एल्कली मेटल का ग्रुप क्या होता है, 1। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, कितना होता है, 3।
सबसे पहले को हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। पहले को हम क्या बोलेंगे? प्रोटियम। दूसरा को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। दूसरा को हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और तीसरा को हम क्या बोलेंगे? ट्राइटियम। क्या बोलेंगे इसको हम? ट्राइटियम। अगर सबका हम सिंबल करें तो सबका सिंबल क्या होगा? अगर इसका सिंबल है तो इसका प्रोटियम को हम शो करते हैं एच से, ड्यूटेरियम को हम शो करेंगे कैपिटल डी से, ट्राइटियम को हम शो करते हैं टी से। लेकिन सारे के सारे तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना। अगर इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर में तो कैसे करेंगे? इसको हम करेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन मास नंबर वन, इसको करेंगे रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन मास नंबर टू, इसको भी करेंगे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर वन एंड मास नंबर इज थ्री। अब इसमें क्वेश्चन आता है किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोटियम में, तो प्रोटियम में हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? वन है। हमारा प्रोटॉन कितना है? वन है। हमारा जो इसका मास है वो कितना है? वन है। तो हमारा न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, वन माइनस वन बराबर जीरो। समझ में आया? अगर दूसरा का हम बात करें, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कितना है? वन है। इसमें हमारा प्रोटॉन कितना है? वन है। इसमें हमारा मास कितना है? टू है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन? क्या होगा? मास नंबर माइनस प्रोटॉन कितना हो गया? वन। आया समझ में? कैसे निकालते? क्वेश्चन एग्जाम में आती है सर। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? वन है। प्रोटॉन कितना है? वन है। इसमें हमारा मास नंबर कितना है? थ्री है। तो व्हाट इज माय न्यूट्रॉन? मास नंबर माइनस प्रोटॉन बराबर टू। समझ में आ गया? क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको समझ के रखिएगा। अगर इन सब की हम बात करें कि कौन एटमॉस्फेयर में कितना है, तो 99.98% आपको प्रोटियम मिलता है, 0.14% क्या मिलेगा? ड्यूटेरियम मिलेगा, और 10^-15% क्या मिलेगा? ट्राइटियम। तो ट्राइटियम इतना कम क्यों मिलता है? बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। क्या है ये? रेडियो एक्टिव इन नेचर, रेयर। रेयर मीन्स बहुत कम। इसका क्या रीजन है? इट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, बहुत कम पाते हैं इसको, ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव इन नेचर। अगर हम बात करें कि इन सब का, जैसे अब मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोजन का तीन हो गया आइसोटोप्स, पहला क्या है हमारा? हाइड्रोजन है। फिर क्या है हमारा? ड्यूटेरियम है। और फिर क्या है हमारा? ट्राइटियम है। अगर हम बात करें बेटा कि सबसे ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर बोले हम, तो सबसे अधिक होगा ट्राइटियम का, उससे छोटा ड्यूटेरियम का, उससे छोटा हाइड्रोजन का या प्रोटियम का। अगर हम पूछे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी वही लॉजिक है, मोर इज़ द मास मोर इज़ द बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होगा? मोर मास ट्राइटियम का, मोर बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या आएगा? ड्यूटेरियम, फिर क्या आएगा? प्रोटियम। अगर हम बात करें बेटा इसका डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, आपको पता है डेंसिटी का क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, मोर मास मीन्स मोर डेंसिटी। तो फिर से ऑर्डर सेम हो जाएगा, ट्राइटियम का मोर मास, ड्यूटेरियम उससे कम, प्रोटियम सबसे कम। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी का, तो मुझे पता है कि जिनका मास ज़्यादा होगा उनको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो सबसे अधिक हो जाएगा ट्राइटियम में, फिर होगा ड्यूटेरियम में, फिर होगा हाइड्रोजन में। समझ में आया समेत? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डेल एच फ्यूज़न, तो इसमें क्या होगा? सेम लॉजिक होगा, ट्राइटियम में इतना ही होगा, ड्यूटेरियम में इतना ही होगा,
प्रोटिया में इतना ही होगा, समझ में आया श्रेय। और अगर हम बात करते हैं डेल एच ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसमें क्या हो गया, ट्राइटियम में उतना ही होगा, ड्यूटेरियम में उतना ही होगा और प्रोटियम में उतना ही होगा, समझ में आया केल्वी। तो यही हमारा लॉजिक है, समझ में आया। चलो अब हम बात करते हैं कि हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज माय आइसोटोपिक इफेक्ट। व्हाट इज माय आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या जानते हैं। अब देखिए, द चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल properties of the compound, due to change in isotope, due to change in isotope of element is known as isotopic effect, ठीक है। क्योंकि आइसोटोप से क्या होता है, मास का वेरिएशन होगा, तो कुछ ना कुछ फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज या केमिकल में चेंजेस होगा। तो चेंजेस कैसे हुआ, ड्यू टू आइसोटोप्स, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, केवल डिफरेंस कहाँ आ गया उसके मास नंबर में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोटोप्स, ठीक है। अगर अब हम बात करें अगला पॉइंट कि आइसोटोपिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन में, कैसे हम बता रहे हैं इसमें कि जो हमारा आइसोटोपिक इफेक्ट होता है, आइसोटोपिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन, कैसे, देखो अभी हम बता रहे हैं। जैसे मान लो हम तीन एग्जांपल ले रहे हैं, एक हमने लिया प्रोटियम और एक हमने ले लिया ड्यूटेरियम, ठीक है, दूसरा हमने ले लिया, एक हमने लिया कार्बन सिक्स जिसका मास 12 है और एक हमने ले लिया कार्बन सिक्स जिसका मास 14 है, एक हमने लिया ऑक्सीजन 8 जिसका मास 16 है और एक हमने लिया ऑक्सीजन 8 जिसका मास 18 है। अगर इन सब का हम मास का निकाले परसेंटेज, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर यहां से यहां का हम मास का निकाले परसेंटेज, तो कैसे निकलता है, चेंज, मतलब बाद में 2 था पहले 1 बाई इनिशियल इनटू 100, यानी इसमें जो मास हो रहा है इट इज ऑलमोस्ट 100%। लेकिन अगर इसमें हम मास का चेंज निकाले तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 12 बाई 12 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 2 बाई 12 इंटू 100, मतलब कितना आ गया ये 100 बाई 6, दैट इज 50 बाई 3, अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 17%। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, इसमें हमारा कितना आएगा मास परसेंटेज, तो 18 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा 2 बाई 16 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा,
समथिंग ये आ जाएगा हमारा 12.5%। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मास किस में आया, हाइड्रोजन में। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि आइसोटोपिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन केस ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें कितना आ गया 100%, कार्बन में कितना आ गया अप्रॉक्स 17, ऑक्सीजन में कितना आ गया 12.5। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। क्या हम बोल रहा है? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन? ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन का क्या होता है मीनिंग, पहले हम ये समझते हैं, ठीक है। चलिए, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं कौन सा ऑर्थो है कौन सा पैरा है, उसके बारे में हम जा रहे हैं बात करने। तो क्या होता है ये, द न्यूक्लियाई ऑफ ए मॉलिक्यूल, द न्यूक्लियाई ऑफ ए मॉलिक्यूल आल्सो हैव स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन्स, आल्सो हैव स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन। कौन? न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। तो क्या होता है कि इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई, इफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, ऑफ टू हाइड्रोजन एटम ऑफ एच टू मॉलिक्यूल्स, ऑफ एच टू मॉलिक्यूल्स आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, देन इट इज नोन एज ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या इसको हम बोलते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर इसको हम डायग्राम बना के देखें, तो मान लो अगर ये हमारा एक H2 मॉलिक्यूल्स है, ये एक H2 मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों क्या होगा, बोथ आर गोइंग टू रोटेट या स्पिन इन द सेम डायरेक्शन, बट इफ दे स्पिन, बट इफ दे स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इफ दे स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको? पैरा हाइड्रोजन। मतलब कैसे होगा, अगर एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल्स है, तो अगर एक क्लॉक में जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉक में जाएगा, इसे क्या बोलते हैं हम? पैरा हाइड्रोजन। क्लियर है ये वाला? नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डाई हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डाई हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं? H2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें यह पता करना है कि हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनता है। तो पहला हम जा रहे हैं बात करने प्रिपरेशन, सबसे पहला हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला हम जा रहे हैं बात करने प्रिपरेशन।
तो अगर हम इसका प्रिपरेशन का बात करें तो हम इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, हम H2 को बना सकते हैं फ्रॉम एसिड। किससे बना सकते हैं इसको, हम इसको एसिड से भी बना सकते हैं। दूसरा, हम इसको एल्कली से भी बना सकते हैं। किससे, हम इसको एल्कली से भी बना सकते हैं। तीसरा, हम चाहे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड से भी बना सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड से भी हम बना सकते हैं। चौथा, अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी, मतलब करंट पास करना, हम H2 गैस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, आई कैन प्रिपेयर बाय इंडस्ट्रियल मेथड। नेक्स्ट, इसको हम किससे बना सकते हैं, हम इसको हाइड्रोकार्बन से भी बना सकते हैं। हम किससे इसको बनाते हैं, मैं इसको हाइड्रोकार्बन से भी बना सकता हूं। तो ये तरीका है जहां से हम H2 बना सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके समझेंगे इनसे कैसे बनता है, क्लियर। चल, हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला फ्रॉम एसिड्स, एसिड से हम H2 कैसे बनाते हैं, हम क्या करेंगे, कोई भी आप मेटल ले लो, जैसे आयरन, इसको हमने रिएक्ट किया H2SO4 से, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FeSO4 और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, H2 गैस। तो हमारा एसिड से बन गया H2 गैस। अगर एक और एग्जांपल ले लिया, अगर हम ये ले लेते हैं कॉपर, और अगर हम कॉपर को रिएक्ट करते हैं H2SO4, तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। अब इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो कि कौन कौन सा एलिमेंट है जो एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। जैसे कॉपर ने रिएक्ट नहीं किया, तो हाउ डू यू नो, आपको कैसे लगा पता। तो एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं चापा, CHAPA। चापा एक ऐसा 5 एलिमेंट का ग्रुप है जो एसिड से कभी रिएक्ट नहीं करता। अब चापा में क्या होगा कि जो हमारा सी है इसको हम बोलते हैं कॉपर, जो हमारा एच है इसको हम बोलते हैं मरकरी, जो हमारा ए है इसको हम बोलेंगे सिल्वर, जो हमारा पी है इसको हम बोलेंगे प्लैटिनम, और जो बाद में हमारा ए है इसको हम बोलेंगे गोल्ड। इसी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, चापा। यही 5 एलिमेंट है जो कभी एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। अब अगर यही एसिड लेके अगर हम लैब में चले जाएं तो कैसे बनेगा, अगर यही एसिड लेके अगर हम लैब में चले जाएं तो कैसे बनेगा, ये देखो। अगर हम यहाँ पर जिंक ले लिए और हम साथ में अगर रिएक्शन कर दिए H2SO4 से लैब में, तो ये फटाक से क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस ऑफ H2। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देना पड़ेगा कि अगर जो आप यहाँ जिंक लिए हैं अगर वो एम्प्योर हो गया, क्या हो गया, एम्प्योर हो गया, तो जो हमारा जिंक के थ्रू हाइड्रोजन का फॉर्मेशन है ये स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ में आया। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ H2 फ्रॉम एसिड्स, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हम मेरे पास एल्कली है तो हम कैसे हाइड्रोजन गैस को बनाएंगे।
देखिए, जैसे आपको हमने पीरियोडिक में लिखवाया था कि जब अगर हम जिंक को रिएक्ट करते हैं NaOH से, तो ये क्या बनाएगा? ये सीधे आपको बना देता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, और साथ में ये आपको H2 रिलीज कर दिया। तो आप देखिए, एल्कली मीन्स मेटल, हमारा एल्कली मीन्स बेस, हमारा Na से H2 निकल गया। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम और साथ में हमने ले लिया NaOH और वाटर, तो इससे भी हमारा बन जाएगा H2O। ये क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस, साथ में यहाँ बन जाएगा हमारा 3/2 H2, यहाँ से भी निकल गया। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कली। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड से हम कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन, हम उसे कैसे बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड से, तो इसमें क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? जैसे हाइड्राइड, तो NaH हाइड्राइड हो गया। हाइड्राइड मीन्स क्या होता है? जब हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अनायन, जैसे NaH में सोडियम कटायन बनेगा H-, तो जब हाइड्रोजन बन जाए अनायन तो उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड। तो NaH को जब आपने इसको पानी में डाल दिया तो ये हमारा बन जाएगा NaOH और साथ में हमारा H2 गैस। सिमिलरली अगर हम CaH2 को, अगर ये भी हमारा क्या हाइड्राइड हो गया, इसको अगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस, पानी ऐड करना, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा CaOH का होल 2+H2। तो ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ H2 फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड। अगला हम बात करते हैं कि जब अगर हम पानी से करंट पास करें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम प्योर वाटर नहीं यूज कर सकते, प्योर वाटर कैनॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस। प्योर वाटर कैनॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज दे हैव वेरी लो, बिकॉज दे हैव वेरी लो कंसंट्रेशन, बिकॉज दे हैव वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। अब ये बताओ, जब आयंस कम हो गया तो इनका मूवमेंट भी कम हो जाएगा, और मुझे पता है व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ आयंस। तो जब आयंस कम तो उनका मूवमेंट कम, उनका मूवमेंट कम तो उनका कंडक्शन भी क्या होगा? कम होगा। Therefore, कंडक्शन decreases. Therefore, कंडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि जब हम वाटर से करंट पास करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा। जैसे कि अगर ये H2 है तो ये किस पार्ट में ब्रेक करेगा? H+ OH-। क्लियर है? अब मान लीजिए हमको यहां से क्या बनाना है? H2 गैस। हमें क्या बनाना है? H2 गैस। तो हम क्या बोले कि 2 प्रिपेयर प्योर H2, इम्प्योर वाटर को क्या बोल सकते हैं हम? आइदर इसको हम बोले एसिडिफाइड और एल्कलाइन वाटर विथ
15-20% एसिड और एल्कली। तो अगर हमें प्योर H2 लेना है तो हमें इम्प्योर वाटर को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब क्या होगा, देखिए, जब हमारा आयंस टूटता है तो हमारा रिएक्शन दो पार्ट में भागता है। एक कहाँ भागेगा, एनोड पर, और एक कहाँ भागता है, कैथोड पर। तो एनोड पर क्या होगा, जब हमने वाटर लिया कितना 2 मोल्स, तो ये ब्रेक कर जाएगा O2 गैस प्लस ऑफ 4H+ प्लस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। यही अगर आप कैथोड में लोगे तो यहाँ क्या होगा, 4H2O, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन जाएगा, 2H2 गैस प्लस ऑफ 4OH-। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट रिएक्शन। क्या हमारा आ जाएगा, नेट रिएक्शन, जिसमें क्या हो जाएगा कि 2 मोल्स ऑफ जब H2O जाएगा, और जो भी वाटर लेंगे इट शुड बी एसिडिफाइड और एल्कालाइन। क्या होगा, एसिडिफाइड होगा या एल्कालाइन होगा। तो ये क्या बनाएगा हमारा, 2 मोल्स ऑफ H2 गैस प्लस O2 गैस। तो यही से हमारा क्या बन गया, H2 गैस। कब बना, जब हमने यहाँ से करंट पास किया। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से H2 गैस बनाओगे तो क्या आप प्योर वाटर यूज करोगे कि नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इंडस्ट्रियल में और या कमर्शियल में कैसे बनाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा प्रोसेस इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मेथड। अगर मैं इनकी बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, अब इसमें क्या होता है, जब आपने H2O ले लिया, ठीक है, और इसको आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया। क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और साथ में और बाद में हमने यहाँ पर ले लिया ट्रेसेस ऑफ एसिड, कुछ एसिड्स का हल्का सा हमने अमाउंट ले लिया, ट्रेसेस ऑफ एसिड ले लिया, तो 2H2O क्या हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस और ट्रेसेस ऑफ एसिड। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 2 टाइम्स ऑफ H2 प्लस ऑफ O2 गैस, ठीक है। अब देखो, जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो क्या था, देखिए कि हाई प्यूरिटी हाई प्यूरिटी
99.9% हाई प्यूरिटी 99.9% हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ में आया है इसीलिए हमने यहाँ एग्जाम लिख लिया। तो हाई प्यूरिटी 99.9% 99.9% हाइड्रोजन इज ऑब्टेंड बाय इलेक्ट्रोलाइजिंग वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग निकल इलेक्ट्रोड। ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाई प्यूरिटी हाइड्रोजन कैसे निकलेगा। तो याद रखिएगा कि आपको वार्म एक्वस BaOH का होल टू लेना है। वो बार बार जान के बोलेगा CaOH का होल टू, नहीं, क्या हमें लेना है BaOH का होल टू, क्या बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? अब चलो अगला हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि H2 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट। H2 इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ NaOH by electrolysis of aqueous brine solution aqueous। अब एग्जाम में ये आता है what is brine solution, क्या बोलते हैं इसको NaOH, क्या बोलेंगे इसको ब्राइन सॉल्यूशन को बोलते हैं नमक और पानी NaOH aqueous, क्या बोलेंगे इसको हम NaOH aqueous को हम बोलते हैं ब्राइन BRINE ब्राइन सॉल्यूशन। अब क्या होगा NaCl बोलते हैं, नॉट OH, NaCl को हम बोलते हैं। अब ये क्या होगा जब आप NaCl को आयंस में तोड़ोगे तो क्या होगा सोडियम प्लस बनेगा और साथ में क्या बनेगा क्लोरीन माइनस। जब आयंस में टूटा तो एक जाएगा एनोड पर और एक जाएगा कैथोड पर। तो अगर हम बात करते हैं कि एनोड पर कौन जाएगा तो एनोड पर वही जाएगा जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, मतलब क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगा क्लोरीन, ये बनाएगा Cl2 और साथ में क्या करेगा दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर हम बात करते हैं कैथोड का तो ये क्या करेगा आपका जो वाटर है ये वही दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा H2 प्लस 2, OH-। क्या हमें H2 गैस बना कि नहीं ब्राइन सॉल्यूशन से, बना कि नहीं बना। तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम किससे ऑब्टेन करते हैं बाय ब्राइन सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। जब हम कोई एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, मान लो हम ले लिए CnH2n+2, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हमने पानी डाल दिया NH2O, तो ये हमारा जाके बन जाता है N टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2n+1 हाइड्रोजन। अब ये पूरा प्रोसेस कब होता है जब हमारा ये इनकम्प्लीट कम्बसन हो, क्या हो इनकम्प्लीट कम्बसन। ऐसा हमने क्यों बोला कि जहां कम्प्लीट कम्बसन हुआ तो वहां पर CO ना बन के CO2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समझ में आया आपको।
अब मान लो कि आप n का कुछ भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आपने n बराबर 1 ले लिया, तो अगर हम यहाँ पुट किए तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन है ये तो बन गया मीथेन CH4, फिर हमने वाटर का एक ही मोल लिया H2O, तो हमारा एक मोल बना कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारा 3 मोल क्या बन गया H2। तो क्या हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से बना कि नहीं, पहले ये बताओ। बन गया। अब इसमें कुछ आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। हम इम्पोर्टेंट की बात करें, पहला इम्पोर्टेंट क्या है कि इक्वीमोलर, मतलब दोनों का मोल्स बराबर है, उसे क्या बोलेंगे हम, इक्वीमोलर्स। तो पहला हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इक्वीमोलर है, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इज नोन एज वाटर गैस। क्या हम बोलते हैं इसको, अब एग्जाम में आएगा बेटा कि वाटर गैस हम किसको बोलते हैं, तो क्या बोलोगे आप, इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाई हाइड्रोजन H2। समझ में आ गया सबसे पहला। अब आप बोलोगे कि ये इक्वीमोलर ना हो के कुछ डिफरेंट रेशियो में है, तब क्या बोलोगे इसको, सिन गैस। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट हम पॉइंट बोल रहे हैं कि मान लो कि ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इन एनी रेशियो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। क्या बोलेंगे इसको हम, सिंथेसिस गैस, और शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे इसको, सिन गैस। तो आप क्या देख रहे हो कि जहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 इक्वल मोल्स में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर गैस, और जहां कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 आपका अलग अलग रेशियो में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस और सिन गैस। तो समझ में आया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, एक नेक्स्ट आपका टर्म आता है, व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन। हमारा कोल गैसिफिकेशन क्या होता है ये हम जा रहे हैं बात कर रहे हैं। व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, हम क्या बोलते हैं इसमें, हम क्या बोलते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेसिस गैस फ्रॉम सीवेज, सीवेज मीन्स क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, डस्टबिन, फ्रॉम सीवेज या हम बोल दिए सॉ डस्ट या एसेट्रा, इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। क्या इसको हम बोलेंगे, कोल गैसिफिकेशन इज नोन एज कोल गैसिफिकेशन। यानी इसमें क्या होगा, जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का आप रिएक्शन कर रहे हो वाटर, ये वाटर से नहीं करोगे, किससे करोगे, स्टीम से, स्टीम मतलब वेपर, जिसमें आपका टेम्परेचर रहेगा 673 केल्विन, और आप आयरन क्रोमेट, आपने क्या किया, आयरन क्रोमेट का आपने यहाँ पर कैटलिस्ट ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका, CO2 बना और साथ में क्या बन गया, H2। ठीक है, तो यही वाला
यही वाला जो हमारा कंप्लीट रिएक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। क्या इसको हम बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस, चाहे आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। समझ में आ गया, कार्बन मोनोक्साइड को जब आप रिएक्ट करोगे वेपर से एट 673 केल्विन एंड आयरन क्रोमेट एज कैटलिस्ट, ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। हाँ, H2 बनेगा। अब अगर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2, हम बात कर रहे हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम क्या बोलेंगे इसका। अगर सबसे पहला हम बात करें, तो क्या लिखेंगे, H2 इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। क्या है ये लाइटेस्ट एलिमेंट है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, H2 क्या है, कलरलेस गैस है। क्या है ये, कलरलेस गैस है। तीसरा हम क्या बोलेंगे, ऑर्डरलेस, मतलब इसमें कोई भी खुशबू नहीं आएगा सुगंधित करने पर, ऑर्डरलेस। और चौथा क्या है, टेस्टलेस, कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। ये सब के सब कौन सा गैस है, लाइटेस्ट गैस है, कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है, टेस्टलेस गैस है। नेक्स्ट हम बात करें, ये है लेस रिएक्टिव गैस, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट पूरा है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव गैस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये इनफ्लेमेबल है, ये जलता भी नहीं है, इट इज इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट हम बात करें तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो इसका हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो ड्यू टू लो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ड्यू टू लो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। देयरफॉर लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक फ्लूइड। Therefore, liquid hydrogen is used as cryogenic. ये वाला क्वेश्चन आपके मेडिकल एंड JEE में आ चुका है कि which of the following element in liquid is used as cryogenic fluid? क्या आंसर होगा इसका, liquid hydrogen. Next हम क्या बोलेंगे इसका अगला पॉइंट, कि bond dissociation energy. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 इज वेरी हाई, क्या रीजन है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड परफेक्ट ओवरलैपिंग बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। क्या हो गया, स्मॉल साइज एंड परफेक्ट ओवरलैपिंग, इसीलिए इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है, यूजेस ऑफ H2 डाइहाइड्रोजन, तो सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म
हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू फॉर्म वनस्पति घी, टू फॉर्म वनस्पति घी, पहला यूज हो गया इसका। दूसरा अगर यूज करें हम तो क्या होगा, इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल, इट इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, फॉर मैन्युफैक्चर, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल लाइक N2+H2 इज गिविंग एमोनिया। तो एमोनिया बनाने के लिए हमें H2 का यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कर लेना, कभी कभी ये लोग बोलते हैं व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस, क्या बोलते हैं ये, व्हाट इज प्रोड्यूसर गैस। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डाई हाइड्रोजन प्लस CO2 प्लस NO2, ये सबको मिला देंगे तो हमारा कौन सा गैस बन जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट अगर इसका हम बात करें तो कोई कोई इंडस्ट्री में किसी किसी हेवी मेटल को रिड्यूस करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, मतलब इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड, इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। नेक्स्ट, एटॉमिक हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीहाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीहाइड्रोजन टॉर्च फाइंड यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस, किसके लिए यूज होता है, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पसेस। नेक्स्ट इसका यूज क्या है, डाई हाइड्रोजन H2 इज यूज्ड इन फ्यूल सेल, H2 इज यूज्ड इन फ्यूल सेल for generating electrical energy, ये fuel cell में भी लगता है electrical energy को generate करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, use of hydrogen। अब हम बात करते हैं कि इसका chemical properties क्या होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसका क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं व्हाट इज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज।
अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, सबसे पहला क्या होता है, रिएक्शन विथ हैलोजन्स। क्या होता है इसका, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो क्या होगा, जब भी आपका आपने H2 को गैस लिया और आपने इसको रिएक्ट किया हैलोजन से, आपको पता है कि हैलोजन कभी सिंगल नहीं होता, वो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो हम हैलोजन को H2 ले लिए गैस में, ये हमारा बना देगा 2 times ऑफ HX गैस। अब जो हमारा आप यहाँ X लिए हो, इट कैन बी फ्लोरीन, इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, इट कैन बी आयोडीन, लेकिन एक बार एक ही यूज़ करने का है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होगा, हैलोजन रिएक्ट किया हाइड्रोजन से और जो मेरा HX बना, इसका क्या नाम होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइड्रोजन हैलाइड। अगर आप यहाँ लेते HF तो क्या बोलते, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगर आप लेते Cl तो क्या बोलते, हाइड्रोजन क्लोराइड। Br हाइड्रोजन ब्रोमाइड। I हाइड्रोजन आयोडाइड। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या लगता है। इसमें आपको एक पॉइंट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्या है समझें कि, नोट करके हम लिख देते हैं, याद रखिएगा इसको। कि जो हमारा रिएक्शन होता है फ्लोरीन का, ये डार्क में होता है, ये डार्क में ही स्टार्ट हो जाता है। डार्क मतलब जहाँ पर लाइट कम हो, अंधकार नहीं। फ्लोरीन का जो रिएक्शन है वो डार्क मतलब लाइट कम, जहाँ एनर्जी कम वहाँ ही स्टार्ट होता है। क्यों, बिकॉज फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं आयोडीन का, तो ड्यू टू इट्स बिगर साइज, इसको रिएक्शन करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। क्या चाहिए हमें, कैटलिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होता है उसको इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सेकेंड जो हमारा रिएक्शन आएगा वो है रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। क्या है ये, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, O2। जैसे 2H2 गैस प्लस O2 गैस, जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, 2H2O लिक्विड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा H2 गैस जब ये रिएक्ट करता है N2 गैस से, तो ये हमारा 673 केल्विन 200 ATM एंड आयरन के कैटलिस्ट में ये बनाता है NH3 अमोनिया गैस। और इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं प्रोसेस, इट इज़ नोन एज हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ नोन एज हैबर्स प्रोसेस। आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि हैबर्स प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, क्या बोलोगे, हैबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। समझ में आ रहा है क्या बोले हम, चलो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ H2 विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ H2 विथ मेटल्स। जब ये मेटल से करेगा रिएक्ट तो क्या बनाएगा, जैसे अगर मेरे पास H2 गैस है, इसको हम जब रिएक्ट किए मेटल से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी 2 मोल, ये बन जाएगा 2 times ऑफ मेटल हाइड्राइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्राइड। अगर हम रिएक्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ H2 विथ मेटल आयंस, विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड, मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड,
तो हमारा क्या बनेगा? आपको पता है मेटल आयंस मीन्स किसी मेटल के ऊपर चार्ज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड? कोई मेटल जुड़ा हुआ हो ऑक्सीजन से, हम दोनों समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 गैस है, हमने एक मेटल ले लिया पैलेडियम +2, तो ये हमारा हो गया क्या, मेटल आयंस। जब इसका हम रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा पैलेडियम +2 times of H+। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया डाइहाइड्रोजन और हमने एक ले लिया मेटल ऑक्साइड MXOY, मेटल से O जुड़ा तो क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। हमने हाइड्रोजन यहाँ ले लिया Y टाइम्स, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, X टाइम्स मेटल प्लस Y टाइम्स H2O। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से क्या देखें, हमने यहाँ से यही देखा कि अगर हम मेटल्स आयन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हमारे मेटल को रिड्यूस कर रहा है। अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन मेटल ऑक्साइड में से मेटल को रिड्यूस कर रहा है। इसीलिए आपको हमने यूजेस में ये वाला एक पॉइंट लिखवाया था कि इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज़ यूज टू रिड्यूस हेवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। समझ में आया कि नहीं, यही उसका ये वाला क्या है, रिएक्शन है कि कैसे ये हैवी मेटल या मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो एक रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला वाला क्या है, अभी आपको हम बताए थे कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट, यूजिंग निकल एज कैटलिस्ट गिव्स इडेबल ऑयल, खाने वाला तेल गिव्स इडेबल फैट्स। अब इडेबल फैट्स क्या हो सकता है, वनस्पति घी। क्या होगा ये, वनस्पति घी। दूसरा क्या है कि हाइड्रो फॉर्माइलेशन ऑफ ऑलिफिन यील्ड एल्डिहाइड, क्या देता है ये, एल्डिहाइड विच फर्दर अंडरगो रिडक्शन टू गिव अल्कोहल, जैसे अगर हमने यहाँ पर कोई भी एक H2 लिया, साथ में हमने क्या लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑलिफिन मींस क्या होता है, अल्कीन, हमने ले लिया इधर R CH double bond CH2, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, CHO, तो ये क्या बना देगा, R CH2 CH2 CHO। फर्दर जब ये H2 का रिएक्शन होगा R CH2 CH2 CHO, तो अब ये क्या कन्वर्ट करेगा, ये आपका कन्वर्ट करेगा R CH2 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 OH। तो आप देख रहे हो ना, पहला बार में H2O से एल्डिहाइड बना कि नहीं बना, और दूसरा बार में अल्कोहल बना कि नहीं बना। तो अल्कोहल का क्या है फंक्शनल ग्रुप, OH, और एल्डिहाइड का CHO। क्लियर है। चल,
तो ये हमारा पूरा हो गया, हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, इसका यूज रॉकेट फ्यूल में है, क्रायोजेनिक में यूज करते हैं, प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पानी का, वाटर। सबसे पहला क्या आता है वाटर का, बॉन्डिंग में सिखाए थे क्या आता है इसका स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, तो हम क्या देख रहे हैं कि इन गैस फेज वाटर इज ए बेंट मॉलिक्यूल। इन गैस फेज वाटर इज अ बेंट मॉलिक्यूल। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि O के साथ ये हमारा H बने। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो हमारा बेटा बॉन्ड एंगल है ये कितना होगा, कितना हो जाएगा ये 104.5 डिग्री। और आपसे पूछे है कि ये वाला बॉन्ड लेंथ कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 95.7 पीको मीटर। ठीक है, आपको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब यहाँ पर क्या है चार्ज का सेपरेशन है। तो यानी वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स प्लस माइनस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। क्या है ये, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर है। अगर अब हम बात करें कि आइस क्या है, तो आइस एक क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वाटर है। तो हम क्या बोलेंगे कि द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। आइस क्या है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर।